जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बहुत दिनों बाद ऐसे मिलना हुआ और मैं शायद थोड़ा सा मोटू मोटू से लग रहा हूँ, इट्स फाइन। तो कैसे हैं आप सब, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में। स्पेशली हम कवर अप करेंगे उस पॉइंट्स को जो कि यूट्यूब अर्निंग, मतलब यूट्यूब से मुझे कितने पैसे मिले या फिर इस महीने मेरी यूट्यूब की अर्निंग कितनी हुई। क्योंकि ये जो मंथ था वो एग्ज़ाम टाइम था और इस समय मेरे चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, तो इस मंथ थोड़ी बहुत अच्छी अमाउंट अर्निंग हुई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम नॉट ब्लोइंग माई ऑन ट्रप, इट्स नॉट समथिंग टू शो ऑफ, इट्स नॉट समथिंग टू शो ऑफ दैट हाउ मच आई एम अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। इट्स अ वेरी बिगिनिंग, आई नो दैट्स अ बिगिनिंग फेज। और देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो विनोद की बात मानते हैं और बिना बात को इधर उधर घुमाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी अर्निंग हुई है। ऐसे बहुत स्टार्टिंग फेज है तो, बट हाँ, स्टार्टअप अच्छा मिल गया है, हम और हार्ड वर्क करेंगे तो और अच्छी अर्निंग मिलेगी। तो चलिए सेम पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि कितनी अर्निंग मिली, तो लाइव हम देखेंगे, ठीक है। तो आप पीछे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मेरा YouTube स्टूडियो, मतलब YouTube की जो भी मेरा इसमें एक्शन होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी YouTube स्टूडियो। ये यूट्यूब स्टूडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो मेरे चैनल का लोगो यहाँ पे दिखाई देगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मेरे चैनल में अभी तक जो लाइक मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी उसमें 2.3 के व्यूज़ हुए, जो कि बहुत कम है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि माई चैनल एनालिसिस। अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब तक मेरे पास कितने सब्सक्राइबर है टोटल, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10,404 सब्सक्राइबर हैं, और ये है लास्ट 28 डेज़ में मुझे 2,687 सब्सक्राइबर मिले। तो ये हो गई मेरे स्टूडियो के सब्सक्राइबर की बात, कि टोटल मेरे पास 10,404 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, और लास्ट 28 डेज़ में मुझे 2,687 सब्सक्राइबर मिले हैं। और लास्ट 28 डेज़ की अगर आप बात करेंगे तो मेरे चैनल पे व्यूज़ कितना आया है दोस्तों, 611, मतलब 611,000, ऑलमोस्ट 611,000 सब्सक्राइबर मेरे पास ऐड हुए हैं, सॉरी व्यूज़ हुआ है। और वॉच आवर्स दोस्तों 39.8 के, ऑलमोस्ट 40,000 घंटे मेरे वीडियोस को देखा गया है पिछले 28 दिन में। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो है दोस्तों एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो कि 28 दिन में बनी है $226, या एग्जैक्टली $226 बनी है। अगर हम $226 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो दैट वुड बी अप्रॉक्स, लेट मी डू दैट। अगर हम यहाँ पे बात करें $226, देखो 81 रुपये चलते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर 26 रुपए की अगर करंट प्राइस देखें तो वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा मगर हाँ इतना होगा कि चलेगा, मतलब ठीक है। तो $226 को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, दैट वुड बी अप्रॉक्स 18,363 रुपये। तो मान लो कुछ टैक्स वैक्स कट के 18,000, मतलब ये मेरी लास्ट 28 डेज़ की अर्निंग है, 28 दिन की अर्निंग है, ऑलमोस्ट कितना 18,000 रुपये। और इस महीने में चूंकि आज डेट 25 सितंबर है, 5 दिन का और बचा है, देखते हैं कितना होता है। मतलब अभी तक मेरी 28 दिन की अर्निंग इतनी है, 18,000 रुपये इंडियन की रुपीज़ की बात करें, और अगर हम डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर में दैट वुड बी 226 रुपीज़ डॉलर, राइट। सो ये हो गई दोस्तों मेरी अभी तक की 28 दिन की अर्निंग। दोस्तों आइए कुछ इंटरेस्टिंग थिंग भी देखते हैं, जैसे मेरे चैनल की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलिए हम थोड़ा सा चैनल के एनालिसिस में जाते हैं, चैनल एनालिटिक पे जाने के बाद हम देखते हैं कि मेरे चैनल के साथ कुछ अच्छा क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल पर अगर हम बात करें कि कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने गर्ल्स हैं। पहले इस ग्राफ को देखिए, ये मेरा ग्राफ कैसे था, ये जो मेन पीक का जो ग्राफ है ना, ये पीक का ग्राफ वो है जब एग्ज़ाम्स टाइम था, यानी कि जब आपके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम चल रहे थे उस समय का ग्राफ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी उस समय, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे जुड़ रहे थे, अच्छी बात है। देखो मोस्टली मेरा चैनल कभी चलना है जब एग्ज़ाम्स के टाइम होना है, इतने पैसे हर महीने नहीं आते, एग्ज़ाम है इसलिए आ गए, मुझे पता है कि अब इसके बाद से नहीं आने वाले, मगर जो भी हो मेहनत करेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो ये ग्राफ मेरा एग्ज़ाम टाइम का था, काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, फिर नॉर्मल एक पॉइंट्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा देखते हैं कि मेरे चैनल पे मेंबर्स कितने हैं और किस एज के मेंबर हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें व्यू जेंडर, जैसे इसमें हम व्यू जेंडर पे जाके बात करें लाइक मेरे चैनल पे कितने फीमेल्स हैं और कितने मेल हैं, तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डेटा आएगा आपके सामने
अगर हम व्यूज जेंडर पे जाएं बात करें तो ये देखिए, मेरे चैनल पे 52% फीमेल्स हैं। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? 52% अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो फीमेल्स हैं, और 47% क्या हैं, मेल हैं। सो दैट इज़ द डेटा, राइट? मतलब आधे से भी ज़्यादा गर्ल्स हैं, बॉयज़ की संख्याएँ कम हैं। क्या बात है, क्या दुश्मनी है मुझसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब जुड़े हैं, अच्छा लगा मुझे कि। तो 52% फीमेल्स हैं और 47% मेल्स हैं। अगर हम बात करें एज की बारे में कि किस एज से किस एज तक के बच्चे हमें दिखा देखते हैं वीडियो को मेरे, तो हम चलते हैं व्यू एज पे। और व्यू एज पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो व्यू एज पे यहाँ पे मेरे पास जो मोस्टली बच्चे हैं वो 18 से 24 साल के बच्चे हैं। जो मोस्टली हमारे पास बच्चे हैं वो 18 से 24 साल के बच्चे हैं, और उससे थोड़े से कम 25 से 34 साल के बच्चे। मतलब मैं अगर बात करूँ तो 20 से लेके 26 साल या 28 साल तक के बच्चे मोस्टली मेरे चैनल पे हैं। तो ये दोस्तों हो गई मेरी बात चैनल की, राइट? अगर हम थोड़ा सा ट्रैफिक सोर्स की बात करें, चलो डेट वाइज देखते हैं। पता है, एक अर्निंग चेक करते कि डेट वाइज कि एक दिन में से अर्निंग कितनी बनी। तो अगर आप डेट वाइज देखेंगे तो जो एग्ज़ाम टाइम का था ना, वो उस समय काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो डेट वाइज अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि कल की डेट में अगर हम बात करें 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को मेरे पास $3 बना था। $3 अप्रॉक्स कितना होगा, 240 रुपये होंगे अगर $80 हो तो। लेकिन वहीं अगर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, जब एग्ज़ाम टाइम था, तो एग्ज़ाम टाइम में देखिए यहाँ पे मतलब $21 तक बना था, एक दिन में $27 तक बना था। इसको लाइए और मैं आपके पास कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे एक दिन में $27 बना था, तो $27 अप्रॉक्स होगा, मतलब 2000 के करीब में होगा, 2200 के करीब में होगा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे उसके ऊपर $21, मतलब 27, ये 14, 13, 21, $27 इस, ये जो वीक था ना, उस वीक में बहुत अच्छी अर्निंग बनी थी। लगभग 3-4 दिन में 8-9000 रुपये बने थे यूट्यूब से। सो दोस्तों, मतलब सिंपल बताने का मकसद ये था ना कि आप सब मेरे दोस्त हैं, जो भी ये चीज़ें हैं बस आपकी वजह से बनी है, राइट? तो आप प्यार करते हैं, आप देखते हैं, आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, उस वजह से मुझे मिलता है। और यूट्यूब जर्नी में मुझे एक चीज़ पता है क्या, एक चीज़ मैंने सीखा है कि जो भी बच्चे यूट्यूब बना रहा है ना, वो अगर कंसिस्टेंट रहे, अगर वो नियमित टाइम दे रहा है, वक्त दे रहा है, तो शायद एक दिन के बाद आपकी अर्निंग दिखेगी, यूट्यूब पे आपको पैसा दिखेगा। तो मेरे लिए ये पैसा कभी प्राइमरी चीज़ नहीं रहा, और मेरा प्राइमरी हमेशा ये रहा कि आप मुझसे जुड़े, आपको मेरा बताया चीज़ें अच्छी लगी, आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया। मेरे पास 10,000 बच्चे जुड़े हैं अभी तक, आगे और भी मैं मेहनत करूँगा और भी बच्चे जुड़ेंगे। तो मेरे लिए हमेशा जो प्राइमरी चीज़ है ना, वो ये है कि आप मेरे साथ हैं, आपका साथ जो है ना, वो मेरे लिए हमेशा सर्वप्रिय रहेगा। पैसे कितने आए कितने नहीं आए, ये सेकेंडरी चीज़ है। तो बाकी ऐसे चलते रहेंगे, मैं खुद भी और वीडियोज़ डालूँगा, मैं मेहनत करूँगा। तो अभी तक मेरे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो 1600 रुपये आ चुके हैं। ये जो अमाउंट है लगभग 18 से 19 हज़ार, ये 21 तारीख को क्रेडिट होता है। तो इस महीने की जो भी अर्निंग होगी वो अगले महीने की 21 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये होगा पैसे, मतलब ये होगी सारी चीज़ें मेरे चैनल के बारे में, मेरे चैनल पर कितने लोग जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि जो भी है आपकी बदौलत है, आपने ऐसे पसंद किया, चीज़ें आ गई। अब एक और पॉइंट आता है कि मैं अगर ये पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो मैं इसका करूँगा क्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इस पैसे की। तो मैं पर्सनली मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूँगा, कुछ शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स खरीद लूँगा। मैं ऐसा करता भी हूँ, मेरे पास कुछ पैसे स्टॉक्स में मैं डालता हूँ, चाहे वो इंडियन स्टॉक हो या फिर US स्टॉक हो। तो मोस्टली मैं इंडिया के खरीदूँगा, मे बी टाटा स्टील ले लूँ, कोई भी अच्छा शेयर बाई कर लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं वही करूँगा जहाँ तक मैं उम्मीद है। बाकी लेट्स सी वक्त आने पर, क्योंकि पैसा एक बार आने पर चीज़ें होती रहती हैं, फिर मैं क्या करता हूँ वो डिफरेंट चीज़ें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको बताऊँ, राइट? मैं आपको थैंक्स बोलूँ, शुक्रिया बोलूँ कि आपकी मेहनत की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल इतना तक ग्रो हुआ। आगे मैं और मेहनत करूँगा और ऐसे भी आएगा। और बाकी जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं ना, जो अभी स्टार्ट किए हैं या फिर जो बनाते हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आएगा, मतलब एक दिन तो कुछ आप अच्छा कर लोगे, अगर आपके पास डेडिकेशन है, शौक है बनाने का, आपको मज़ा आता है यूट्यूब पे काम करके, तो आप बस करते जाइए, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। मेरा भी कभी ऐसा ख्वाहिश नहीं था कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा या फिर यूट्यूब से मैं कभी सच में मुझे पैसे मिलेगा। अब मैं किसी को जानता तक नहीं था कि मेरे जानने वाले में किसी को यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। बस मैंने मेरी ये थी कि चलो मैं करता हूँ, मतलब बैठता हूँ तो मैं बनाता हूँ, मेरा बस बनाना था और ऐसा मेरा शौक था कि बातें करना। सो धीरे धीरे यहाँ तक हुआ यूट्यूब। बाकी मैं आगे और मेहनत करूँगा, लेट्स सी कहाँ तक जाता है चीज़ें।
आप सब बने रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत खुश होंगे। मैं देखो आज मैं पहली बार शायद मैं कैमरे पे थोड़ा शाई फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो गई, बट इट्स फाइन राइट। तो आप सब बताएं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी को पार्टी वार्टी किसी को चाहिए, कहाँ चाहिए आप मुझे बता देना, अपन थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी भी कर लेंगे। बाकी तो चलते रहेगा ऐसे वीडियोज़, मैं ले आऊँगा वीडियोज़, कुछ और डालूंगा, कुछ और मेहनत करूँगा, और मे बी मैं सीटेट के कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बाकी इसके अलावा कुछ और वीडियोज़ जैसे कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने खुद से प्रॉमिस की है कि मैं हमेशा स्टडी रिलेटेड ही बनाऊँगा, कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल लाइक कभी किसी कास्ट या फिर रिलीजियस, जाति धर्म राजनीति इन सब चीज़ों पर मैं खुद को बचा के रखूँगा। कभी बहुत सारे चैनल हैं जिस पर बात करते हैं, मैं पर्सनली अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा कर रखूँगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई ऑल अबाउट माई यूट्यूब जर्नी राइट, मुझे अभी तक की यूट्यूब जर्नी, आगे और चीज़ें चलती रहेंगी और जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इवन वंस इन अ मंथ या फिर दो महीने में एक बार तो कम से कम आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है। बहुत बिगिनिंग फेज था, बिगिनिंग फेज के हिसाब से आई थिंक अच्छा ही जा रहा है, जो भी होता है अच्छा ही के लिए होता है। धीरे धीरे जैसी होंगी आप सबको अपडेट किया जाएगा। बाकी आप सब अपना प्यार अपना सहयोग यूँ ही बनाए रखें, चैनल को देखते और कोशिश करिए और लोगों को जोड़िए, सब एक अच्छे साथ बनाएंगे, टीम बनाएंगे और साथ में ऐसे रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी के सहयोग के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।